Hello learners, in this video we are going to analyze the poem Donat Puri, which was written by the great Indian poet Jayant Mahapatra. So, before going through the poem line by line, let's take a look upon the brief biography of the author. Jayant Mahapatra is a great Anglo Indian poet who was born on 22nd October 1928 in the city of Katak in the Indian state of Odisha in an Odian Christian family. Lamal Mahapatra and Sudhanshu Bala Das. He received his education in Kattak, where he was born. He completed his MSc in Physics from Patna University, Bihar. ही बिगेन हिज टीचिंग करियर एज अ लेक्चरर इन फिज़िक्स इन नाइनटीन फोर्टी नाइन और इस दौरान इन्होंने ओडिशा के बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज़ में फ़िजिक्स के लेक्चरर के रूप में टीचिंग की लाइक गंगाधर मेहर कॉलेज सम्बलपुर बीजे बी कॉलेज भुवनेश्वर फ़कीर मोहन कॉलेज बालासुर एंड रेवनशाह कॉलेज कटक लेटर ही राइजिंग टू द पोजिशन ऑफ अ प्रोफेसर महापात्रा हैज़ ऑथर्ड ट्वेंटी सेवन बुक्स ऑफ पोएम्स जिनमें सेवन बुक्स इन्होंने ओडिया में लिखी थी और रेस्ट ट्वेंटी बुक्स इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी ही बिगेन राइटिंग पोइट्री इन इंग्लिश एट द एज ऑफ फोर्टी फोर्टी की उम्र में इन्होंने इंग्लिश में पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था ही प्रोड्यूस्ड टेन वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फिफ्टीन ईयर्स ही बिगेन हिज राइटिंग करियर वेरी लेट

एंड द न्यूयॉर्कर तो इन सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में इनकी पोएम्स पब्लिश हुई थी एंड हिस पोएम्स वर अगैन पब्लिश्ड इन अदर पोएट्री मैगजीन्स इन इंडिया ऑल्सो ही रिसिव्ड मेनी लिटरेरी अवार्डस फॉर हिस पब्लिश पोएम्स ही वॉज़ इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम एट लोवा लोवा में जो इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम हुए थे जिसमें लग जिसमें ट्वेंटी टू सेलेक्टेड इंटरनेशनल पोइट्स को इन्वाइट किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए और इन ट्वेंटी टू सेलेक्टेड इंटरनेशनल पोइट्स में एक जयंत महापात्रा भी थे एंड दिस गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑफ इंडिया एंड एक्वायर इंटरनेशनल एक्सपोजर हिज हिज इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्कस द फर्स्ट इज क्लोज द स्काई टेन बाई टेन पब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी वन स्वयं वरा एंड अदर पोएम्स नाइनटीन सेवेंटी वन अ फादर्स आर्स नाइनटीन सेवेंटी सिक्स अ रेन ऑफ राइट्स अगेन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स वेटिंग नाइनटीन सेवेंटी नाइन द फॉल्स स्टार्ट एंड रिलेशनशिप जो है इनके इम्पॉर्टेंट वर्क वर्क पोएट्री कलेक्शन है जो कि नाइनटीन एटी में पब्लिश हु, हुए थे ये दोनों वर्कस इनके बर्डन ऑफ़ वेव्स एंड फ्रूट्स नाइनटीन एटी एट एंड टेम्पल भी इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है इम्पॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शन है जो कि नाइनटीन एटी नाइन में पब्लिश हुआ था तो ये थे इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्कस ही इज़ द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड रिमेंबर इट ही इज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री He was also awarded Padma Shri, the fourth highest civilian honor, in 2019. Two, 2009 may not 2009 Padma Shri award, mila tha, but in only 2015 may this Padma Shri award return kar dia, kar dia, to protest against the rising intolerance in India. Now, let's see the introduction of the poem. The poem Dawn at Puri by jaint Mahapatra is set in the town of. पूरी पूरी का नाम आपने सुना होगा विच इज़ सिचुएटेड इन ओरिसा इन दिस सिम्बलिक एंड मेटाफोरिकल पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द हॉलोनेस ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स कॉमन इन इंडियन सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी है यहाँ के जो राइट्स एंड रिचुअल्स हैं जो रीति रिवाज हैं जो कस्टम्स हैं उनके खोखलेपन को उनकी हॉलोनेस को पोइट ने इस पोएम में दिखाया है कि किस तरह से रीति रिवाज के नाम पर जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे किस तरह की जो है चीज़ें होती हैं किस तरह की खोखली चीज़ें हमारे देश में होती हैं ये सारी चीज़ें इन्होंने इस पोएम में दिखाई हैं द पोएम कंसिस्ट ऑफ सिक्स टहनजाज हैविंग थ्री लाइन्स ईच जब हम पोएम देखेंगे तो देखेंगे कि ये पोएम जो है सिक्स टहनजाज में है और थ्री लाइन्स

बहुत सारी संख्या में जो क्रो है वो आवाज़ कर रहे हैं क्यों क्योंकि वो जो प्लेस है यहाँ पे किसकी बात की गई है होली सेंट्स ऑफ पूरी पूरी की जो होली सैंड है जो बीच है वहाँ पे जब डेड बॉडीज़ को क्रीमेट किया जाता है तो जो पिंडदान देते हैं तो पिंडदान किन को दिया जाता है कौवों को तो वो जो कौवे हैं बहुत भूखे हैं और उस पिंडदान में जो भी दिया जा रहा है उसको खाने के लिए बहुत सारी संख्या में बस झुंड के झुंड आवाज़ लगा रहे चिल्ला रहे तो यहाँ पे पोइट ने क्या प्रेजेंट किया है हंगर हमारे देश के हंगर को उड़ीसा क जो सिटी है वहाँ के हंगर को प्रेजेंट किया है है पोइट ने और उड़ीसा के साथ साथ पूरे देश को भी इन्होंने प्रेजेंट किया है तो किस तरह से जो भूखे कौवे हैं वो चिल्ला रहे तो यहाँ पे भूखे कौवे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं द हंगर ऑफ इंडियन पीपल स्कल इन द होली सेंड जो उस होली उस पवित्र भूमि पर उस सैंडी बीच पर जो स्कल पड़ा हुआ है खोपड़ी ठीक है खोपड़ी कैसी होती है एकदम एमटी होती है, पूरी बॉडी जल जाती है और सिर्फ बॉडी का कौन सा पार्ट रह जाता है जो खोपड़ी होती है जो कि पूरी क्या होती है एमटी होती है खाली होती है तो, तो यहाँ पे पोइट ने खोपड़ी के थ्रू स्कल के थ्रू किसको दिखाया है लाइफ की एम्प्टीनेस को दिखाया है कि जब किसी किसी की बॉडी को क्रिमेट किया जाता है तो पूरी बॉडी जो है वो जल जाती है ओनली केवल जो स्कल होता है बॉडी का वो बच जाता है जो कि कैसा होता है एम होता है तो यहाँ पे स्कल के थ्रू उन्होंने लाइफ की एम्प्टीनेस को दिखाया है और किस तरह से जो डेथ है वो सर्टेन है डेथ की सर्टेनिटी को दिखाया है टिल्स इट्स एम्प्टी कंट्री टूअर्ड्स हंगर टिल्स मीन्स झुकना तो जो ये कंट्री है एमटी कंट्री ये जो खाली कंट्री वो किसकी ओर झुक रही है हंगर ओर तो यहाँ पे इन्होंने कंट्री की एम्टीनेस को और हंगर को प्रेजेंट किया है इस स्टेंजा में एंडलेस क्रोन नॉइस अ स्कल इन द होली सेंट टेल्स इट्स एमटी कंट्री टूअर्ड्स हंगर तो ये जो एम कंट्री है टिल्ड्स मैन झुक रही है किसकी ओर झुक रही भूख की ओर हंगर की ओर तो यहाँ पे इस टेंजा में उन्होंने हंगर एंड लाइफ की एम्पटीनेस को दिखाया है नाउ द सेकेंड स्टेंजा white clad widowed women past the centers of their lives are waiting to enter the great temple white cladded widowed क्योंकि हमारे यहाँ क्या रिचुअल्स हैं कि अगर किसी विमेन की विमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो वाइट साड़ी पहनती वाइट अटायर गेंद करती है तो यहाँ पे जो वाइट क्लेडेड विमेन है वाइट साड़ी पहने हुए जो विमेन है पास्ट द सेंटर ऑफ देयर लाइफ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है पास्ट मतलब जो उनकी उनके लाइफ का सेंटर था तो यहाँ पे सेंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड को क्योंकि एक विमेन का एक जो वमेन होती है उसका सेंटर क्या होता है उसकी लाइफ पूरी किस पे डिपेंड होती है उसके हस्बैंड पे शादी के पहले उनकी जो लाइफ होती, होती, होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट होती वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जो विमेन है लेकिन शादी के बाद उनका जो सेंटर होता है वो कौन होता है उनका हस्बैंड तो यहाँ पे इन्होंने पोइट ने पैट्रियाकल डोमिनेंस को दिखाया है पुरुष प्रधान समाज को दिखाया है कि किस तरह से जो हमारा समाज है वो कैसा है पुरुष प्रधान है और पुरुष के बिना उसकी वाइफ का एक एक विमेन का कोई अस्तित्व नहीं है उसके हस्बैंड की डेथ के साथ उसकी होल लाइफ जो है वो क्या हो जाती है उसकी पूरी लाइफ की डिज़ायर ख़त्म हो जाती है और वो उसकी लाइफ पूरी कंप्लीट क्या हो जाती है सिंपल हो जाती है मतलब उनको वुमेन को सारी डिज़ायर्स सारी हैप्पीनेस क्या करना होता है गिव अप करना होता है तो ये सारी चीज़ें हॉलोनेस जो है सोसाइटी की ये पोइट ने यहाँ पर दिखाई है वाइट क्रेडिड विमेन पास्ट द सेंटर्स ऑफ देयर लाइफ तो ये जो लाइफ का सेंटर था वो उन्होंने क्या कर दिया है बिता बीत चुका है पास्ट मतलब बीत चुका है जो उनके हस्बैंड थे उनके साथ जो उनकी खुशियाँ थी प्लेजर थे डिज़ायर्स थे वो सारी चीज़ें अब बीत चुकी है क्योंकि अब उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है आर आर वेटिंग टू एंटर द ग्रेट टेम्पल अब चूँकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है अब उनको कैसी लाइफ जीना है सिंपल जो जो वर्ल्डली प्लेजर हैं जो उनकी लाइफ के डिज़ायर हैं जो इच्छाएँ हैं सारी चीज़ें त्याग कर केवल और केवल एक चीज़ उनकी लाइफ में बच गई है वेटिंग टू एंटर द ग्रेट टेम्पल ये सब भी अब किसका इंतज़ार कर रहे हैं उस ग्रेट टेम्पल में जगन्नाथ गॉड जगन्नाथ की जो टेम्पल है उसमें एंटर करने के लिए ये लोग वेट कर रहे हैं लाइन बनाकर बिल्कुल खड़े हुए हैं कि बस उनको अब उनकी लाइफ का एक ही डिज़ायर रह गया है गॉड के चरणों में समर्पित हो जाना गॉड जग जगन्नाथ के चरणों में समर्पित हो जाना तो यहाँ पे देखो पोइट ने दिखाया है कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल डोमिनेंस से है पुरुष प्रधान सोसाइटी है जिसमें विमेन की विमेन के हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी अपनी कोई लाइफ कोई डिज़ायर नहीं रह जाती है दे आर ऑस्टराइज ऑस्टर मीन्स सिंपल अब उनकी सारी डिज़ायर ख़त्म हो चुकी है तो अब उनकी आइज़ क्या हो गई सिंपल हो गई कोई डिज़ायर कोई वर्ल्डली प्लेजर अब उनकी आंखों में दिखाई नहीं देता है स्टेर लाइक दोज कॉट इन नेट और मतलब देखना घूरना तो वो ऐसा ऐसे बाहर की और देख रही है, like net, जिस तरह से बर्ड्स है, है, तो देखते हैं है तो बर्ड है, उसी तरह से ये जो विमेन है ये जो विडोविमेन है ये क्या करती है ये, नेट हाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पेट्रियॉर्कल सोसाइटी को जहाँ पे पुरुष प्रधान जो समाज है उसको प्रेजेंट कर रहा है ये नेट तो जिस तरह से विमेन जो एज जिस तरह से बर्ड्स जो होते हैं वो पिंजरे में कैद होकर बाहर की ओर देखते हैं आज़ाद होने की ख्वाहिश के साथ उसी तरह से जो ये विमेन है इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर रहकर बाहर की ओर देख रही कहाँ बाहर की ओर मतलब टेम्पल की ओर देख रही क्योंकि उनका अब उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है वो टेम्पल अब अपनी होल लाइफ को किसको डिवोट कर देना चाहती है उस टेम्पल में जाकर गॉड के चरणों में बस अपनी बची कुची लाइफ को बिता देना चाहती क्योंकि अब उनकी लाइफ में कुछ भी शेष बाकी नहीं रह गया कोई भी हैप्पीनेस बाकी नहीं रह गई हैंगिंग बाय द डॉन शाइनिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ फेथ स्ट्रेंथ्स मतलब एक धागा तो ये जो रिलीजियस फेथ है उनके अंदर ये जो धार्मिक आस्था है वही उनके अंदर क्या जगाती है होप जगाती है क्योंकि जहाँ विश्वास है वही आशा है तो गॉड के ऊपर धर्म के ऊपर जो उनका विश्वास है वही उनके अंदर आशा भर देता है तो ये स्टेंजा में यहाँ पे भी पोइट ने दिखाया है हॉलोनेस को एंड फेथ को एंड होप होपफुलनेस को यहाँ पे पोइट ने प्रेजेंट किया है और होप कैसे आती है रिलीजियस फेथ के थ्रू देयर ऑस्टर आइज स्टेर लाइक दोस कॉटिन अ नेट हैंगिंग बाय द डॉन्स शाइनिंग स्ट्रेंड्स ऑफ फेथ जैसे ही सुबह होती डॉन मतलब एकदम सुबह का समय जब सूर्य निकलता है, तो उस समय का जो सुबह का समय होता है और ये टेम्पल के बाहर आकर टेम्पल क्योर निहारती हैं तो एक फेथ एक होप उनके अंदर जागती है एक आशा की किरण कि अब शायद गॉड के पास जाने से इनकी लाइफ जो है बची कुची वो अच्छे से बीत जाएगी द फ्रेल ऑर्ली लाइट कैचेस रूइंड लेप्र शेल्स लीनिंग अगेंस्ट वन अनदर अ मास ऑफ क्राउस्ड फेसेस विदाउट नेम्स अ फ्रेल अर्ली लाइट कैचेस फ्रेल मतलब हल्की सी लाइट फ्रेल कैचेस जो सुबह का समय होता है उस समय लाइट कैसी होती है सन लाइट कैसी होती है हल्की हल्की सी होती सुबह जब सूर्य निकल रहा होता है सनराइजिंग जब होती है उस समय लाइट कैसी होती है हल्की सनलाइट हल्की हल्की जब लाइट निकलती डॉन का जो समय होता है यहाँ पे एग्जैक्टली exactly उन्होंने डॉन का टाइम दिखाया है सुबह का रूइंड लेप्रस शेल्स तो जैसे ही सुबह होती है सूर्य की पहली किरण निकलती है तो जो लेप्रस हैं तो लेप्रस यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बेगर्स हैं जो लो कास्ट पीपल हैं है ना लोअर क्लास पीपल एंड बैगर्स चूंकि टेम्पल के बाहर बैगिंग करने के लिए भीख मांगने के लिए लाइन बाय लाइन खड़े हुए हैं लीनिंग अगेंस्ट वन एंड अदर लीनिंग मतलब झुकना तो एक दूसरे की तरफ झुके हुए खड़े हुए हैं एंड अ मास ऑफ़ क्राउज फेसेस विदाउट दर नेम्स और मास ऑफ मतलब बहुत सारी संख्या में जो ये क्राउज फेसेस हैं क्राउज मतलब झुककर बैठना जो जैसे उकड़ू बैठते हैं तो ये बैगिंग करने के लिए भीख मांगने के लिए या खाने के कि कोई उनको खाना दे दे इस आशा में ये लोग उकड़ू बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे से लड़ते हैं मतलब को जैसे जो बेगर्स होते हैं वो आपस में लड़ते हैं कि उनकी जगह कोई नहीं लेगा उनकी जो जगह फिक्स है वो वहीं पे बैठेंगे तो इस तरह से ये आपस में भी झगड़ा करते हैं और बैठे हुए हैं लाइन से उकड़ू कि इनको कोई कुछ खाने को दे दे या कुछ दे दे तो यहाँ पर हंगर पावर्टी इन सारी चीज़ों को पोइट ने प्रजेंट किया है इंडिया के एंड फेसिस विदाउट नेम सॉरी ये ये जो फेसिस हैं ये जो बेगर्स uh, हैं ये जो लो कास्ट पीपल हैं इनके कोई नाम नहीं है तो यहाँ पे यहाँ पर क्या दिखाया है इन्होंने एनानिमिटी को दिखाया है कि कोई किसी की कोई पहचान नहीं है क्योंकि ये लोअर कास्ट है के हैं बेगर है इसलिए इनकी कोई पहचान नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने क्लास डिस्क्रिमिनेशन को भी पोइट ने दिखाया है. जैसे फर्स्ट एंडजा में इन्होंने पुरुष प्रधान समाज को दिखाया है, वैसे यहाँ पे इन्होंने क्लास डिफरेंस को भी दिखाया है. जो लो कास्ट के होते हैं लोअर क्लास होते हैं उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर दिखाई है नेक्स्ट <coughs> स्टैंडा And suddenly breaks out of my my height into the smoky blaze of a sullen solitary pyre that fills my ageing mother. <coughs> उन उनको कुछ याद आता है सडनली ब्रेक्स आउट ऑफ माई हाइड हाइड मीन्स स्किन या उन कह कह सकते हैं मेमोरी से उनको एक चीज़ याद आती है सडनली ब्रेक्स आउट उनकी कुछ मेमोरीज याद आती हैं इन टू द स्मोकी ब्लेज कैसे याद आती जब वो स्मोकी ब्लेज ऑफ सोलन सॉलिटरी पायर जो सॉलिटरी पायर है पायर मतलब वो जो चिता होती है जिसमें लकड़ियों को जमा कर जिसमें चिता को लिटाया जाता है तो उस चिता को देखकर उसमें से जो जलती हुई चिता में से जो धुआं निकल रहा है उसको देखकर पोएट पोइट को एक चीज़ याद आती है दैट फिल्स माई एजिंग मदर वो उनको उसको देखकर उस पायर से उठते हुए धुएं को देखकर उनको अपनी एजिंग मदर जो बूढ़ी हो चुकी है उनकी याद आती है क्यों याद आती क्योंकि उन हर लास्ट विश टू बी क्रीमेटेड हियर ट्विस्टिंग अनसर्टेनली लाइक लाइट ऑन द शिफ्टिंग्स एंड क्योंकि उनकी जो मदर हैं उनकी लास्ट विश थी कि जब उनकी डेथ हो तो उनकी डेड बॉडी को इसी हो सैंडी बीच पे इसी होली लैंड में क्रीमेट किया जाए ये उनकी लास्ट विश थी लास्ट डिज़ायर थी तो उस पायर से उठते हुए धुएं को देखकर उनको अपनी मदर की और उनकी बातों की याद आती है कि किस तरह से उनकी माँ ने उन, उनसे अपनी उनसे अपनी लास्ट डिज़ायर लास्ट विश उनके सामने प्रेजेंट की थी कि जब उनकी डेथ हो जाए तो उनकी डेड बॉडी को यही इसी होली लैंड पे क्रीमेट किया जाए एंड ट्विस्टिंग अनसर्टेनली लाइक लाइट ऑन द शिफ्टिंग सैंड और किस तरह से ये जो हवा चल रही है वो उस निकलते हुए धुएं का रुख बदल रही है तो यहाँ पे उड़ते हुए धुएं का रुख बदलना मतलब जब डेड बॉडी से सोल निकलती है तो वो किस तरह से हवा के प्रभाव में अनसर्टेन है कि कहाँ जाना है कुछ भी पता नहीं तो डेथ कब आएगी कोई चीज निश्चित नहीं है डेथ कभी भी आ सकती तो यहाँ पे इन्होंने इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ को दिखाया कि डेथ क्या है निश्चित है और किसी भी समय आ सकती है कुछ नहीं कह कह सकते कि डेथ कब आएगी ऑन द शिफ्टिंग सेंड्स और फिर जो हमारी बॉडी है वो किस में शिफ्ट हो जाएगी सेंड में मतलब एशेस बन के हमारी डेड बॉडी को जब क्रीमेट किया जाएगा तो वो किस में किस में चेंज हो जाएगी एशेस में राख बन जाएगी हमारी बॉडी और राख बनकर किस में शिफ्ट हो जाएगी सेंड में मिट्टी में मिल जाएगी तो इस तरह से यहाँ पे पोइट ने प्रेजेंट किया है डेथ की सर्टेनिटी को दिखाया है कि डेथ क्या इनविटेबल है निश्चित हैर द लाइन्स एंड दिस इज द पोए आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी नाउ सी द थीम ऑफ द पोएम द थीम ऑफ द पोएम्स आर लॉस ऑफ आइडेंटिटी कि किस तरह से लॉस ऑफ आइडेंटिटी कहाँ पे देखा हमने जब जो uh, जो क्राउस्ड पीपल थे जो लोअर क्लास पीपल थे इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है कोई नाम नहीं है ये क्या है एननीमस है डेथ को प्रेजेंट किया है इन्होंने डिसीज एंड डेडेंस को प्रेजेंट किया है हंगर को दिखाया इन्होंने पोएम में हॉलोनेस ऑफ रिचुअल्स एंड राइट्स इन इंडिया इंडिया में जो भी रिचुअल्स हैं रीति रिवाज हैं उसके खोखलेपन को पोएट ने इस पोएम में प्रेजेंट किया है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है इतने इजीली uh, वे में पोएट ने किस तरह से uh, इंडिया स, uh, की हॉलोनेस को राइट्स एंड रिचुअल्स की हॉलोनेस को प्रेजेंट किया है सो दिस इज द दीज आर द लाइन्स आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन थैंक यू